नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी 2018 का जो रिजल्ट आया था, जिसमें जीआईसी प्रिंसिपल के 33 जो औपबंधिक रूप से सिलेक्ट किए गए थे जितने स्टूडेंट, उनमें से 14 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने रिक्वायर्ड डेट तक अपना टीचिंग सर्टिफिकेट, जो टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो नहीं जमा किया था। उनको यहाँ पे निरस्त कर दिया गया है इनकी भर्ती, और ये कोर्ट के निर्णय की वजह से हुआ है, कोई आयोग ने अपने आप नहीं किया है, कोर्ट ने करवाया है। ठीक है, तो ये पहला कदम है। 2018 में अगर जो है देखा जाए, स्टूडेंट को जो जस्टिस मिलना चाहिए उसके लिए ये सबसे पहला कदम है। अभी देखिए क्या होता है आगे। अगर सच का साथ हुआ तो 2018 का कंप्लीट जो मेंस का रिजल्ट है वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, कई लोग अभी आयोग में जाके अपनी अपनी कॉपी देख के आए हैं, वो जीएस की कॉपी भी देखी है और ऑफिशियल की कॉपी भी देखी है। ठीक है, दोनों कॉपी देखी और एग्जैक्टली वही नंबर थे उनके, मतलब जो इतने दिन से बात कही जा रही थी कि ना स्केलिंग हुआ है ना मॉडरेशन हुआ है, कंप्लीटली सत्य है वो। तो जब वो सत्य है, और यहाँ पे जो यहाँ ये सेक्रेटरी जी हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं स्केलिंग हुई है, तो मतलब साफ साफ एक तरह से झूठ बोला जा रहा है ये, और मीडिया में गलत तलत बयान दिए जा रहे हैं। कोर्ट अगर छात्रों के साथ रहा तो छात्रों की जीत जरूर होगी, और 2018 और 19 का मेंस का रिजल्ट स्केलिंग और मॉडरेशन के साथ आना चाहिए। सिंपल बात यह है कि किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। 2020 में पेच है, थोड़ा ट्रिकी रहेगा क्योंकि वहां पे एज पर रिक्वायरमेंट लिख दिया था, तो उसमें छात्रों को भी प्रूव करना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट जो है नहीं थी, और उधर से भी प्रूव करना पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट, मतलब कुल मिला के वो ट्रिकी है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी आप लोग जो है इस वाले आंदोलन को, ये एक बार जब इतना मुश्किल से लोग एक साथ एकजुट हुए हैं, तो इसको सपोर्ट अपना बनाए रखिए, ईमेल ट्वीट सब ये जारी रखिए। ठीक, और अपनी पढ़ाई का मोमेंटम बिना जो है टूटने देना। 14 अगस्त से आरओआरओ का नया क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल वाला भी ग्रुप चालू किया है एक सिर्फ, और 5 अगस्त से यूपीपीसीएस वाला। ऑल द बेस्ट है जय हिंद। फ्री टेलीग्राम की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाली फ्री पिक जरूर देखते रहिए।